तुनिशा शर्मा आत्महत्ये प्रकरणी शिजान खानच्या जामीन अर्जावर आता 7 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. न्यायालयानं वाळीव पोलिसांना जामीन अर्जावर आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी आज नोटीसही पाठवली आहे. शिजान खानच्या वकिलांनी 30 डिसेंबरला शिजानचे केस कापू नये अशी मागणी केली होती, त्यावर आज युक्तिवाद झाला. शिजानच्या वकिलांनी वसई न्यायालयात युक्तिवाद करत शिजान खानची सिरियल चालू असल्यामुळे त्याला केस ठेवावे लागतील असंही म्हणणं मांडलं होतं. तर यावर सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडली. जेलच्या नियमानुसार आरोपीचे केस कापावे लागतात, मात्र काही धार्मिक मुद्द्यावरून काहींना सूट दिली जाते. मात्र शिजानबाबत कोणतीही सूट देऊ नये असं मत सरकारी वकिलांनी व्यक्त केला. यावर दोन्ही बाजू ऐकून घेत उद्या मंगळवारी फैसला सुनावला जाणार आहे. सबसे पहले तो जो बेल एप्लीकेशन हमने फाइल की है उसके ऊपर पुलिस स्टेशन वालिफ को नोटिस इश्यू हो चुका है. 7 जनवरी 2023 को पुलिस को अपना से रिपोर्ट रिप्लाई जो भी है वो फाइल करना है. उस दिन इस मैटर की सुनवाई होगी बेल पे. जहां तक हमने जो बाकी दो एप्लीकेशन किए थे जिनके ऊपर आज सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई कल के लिए टल गई है क्योंकि जेलर ने एक सेफ रिपोर्ट फाइल किया जहाँ पे उनका ऐसा कहना है सिख धर्म के अलावा दूसरा कोई बाल नहीं रख सकता. जबकि जेल मैनुअल कहता है कि सिख धर्म के अलावा बाकी लोग भी रख सकते हैं, बट जेलर डिसाइड करेगा कि वो है ड्यूली लॉन्ग है या अनड्यूली लॉन्ग है. अगर अनड्यूली लॉन्ग है तो जेलर को डिसीजन लेना है. जो डिसीजन जो मैनुअल हमने जेल का माननीय न्यायाधीश को आज दिया है और उसके ऊपर सुनवाई कल के लिए टल गई है. और प्रोटेक्शन को लेकर भी जो बात थी सर कि जो है जेल के अंदर भी प्रोटेक्शन दिया जाए तो उसके ऊपर भी कहीं कुछ सुनवाई हुई है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो है काफी ज्यादा उनको ट्रॉमा है. इस तरीके की भी आपकी दलील दी गई थी कि कहीं कुछ कदम न उठा ले इसके लिए भी उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसके बारे में कोई मेंशनिंग हुई सर? सबसे पहले तो जो कंप्लेनेंट के लॉयर हैं बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने जेड सिक्योरिटी की मांग की, हमने ये प्रोटेक्शन की मांग की, हमने वो प्रोटेक्शन की मांग की, जो कि सरासर गलत है. वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने सनसनी खेज बनाने के लिए पेश कर रहे हैं. हमने जो एप्लीकेशन किया है कि उसका मानसिक संतुलन आज के डेट में, जिस दिन ये इंसिडेंट नहीं हुआ था तब का उसका मानसिक संतुलन और आज के उसके मानसिक संतुलन में जमीन आसमान का फर्क है. जेल का जो भी साइकेट्रिक डॉक्टर है उसको एग्जामिन करे, उसको इवेल्युएट करे, अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट सबमिट करे. और हमने ये सिक्योरिटी मांगी है कि अगर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उसे कॉन्स्टेंट वॉच में रखे, उसे काउंसिलिंग दी जाए, नथिंग मोर और बियॉन्ड इट. उससे ज्यादा हमने कुछ नहीं मांगा है, कोई सिक्योरिटी नहीं मांगा है हमने. हमें किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, जबकि इरेशनल स्टेटमेंट बहुत कुछ किए गए हैं जो कि सरासर गलत हैं, लेकिन हमने कोई जेड सिक्योरिटी की मांग नहीं की है. सर आपके मुताबिक शिजान के मेंटल हालत